ये क्लास टेंथ का क्वेश्चन है और ये टॉपिक का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ये चंद्रदेव सर के द्वारा ये समझ रहे हैं और शॉर्टकट में देव सर बोलते हैं और देव सर आपको समझाएंगे और देव सर से आप समझ ही रहे हो, ठीक है। तो आप रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैसे फाइंड आउट करना, पहले तो मैं ये बता देता हूँ इस क्वेश्चन को इजिली कैसे सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि x माइनस वन लिखा है। पहले हम अगर मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक्स ठीक है, थ्रू आउट द इक्वेशन ठीक है, थ्रू आउट द इक्वेशन। तो ये मल्टीप्लाई बाई एक्स थ्रू आउट द इक्वेशन अगर हम करते हैं तो देखिए एक्स माइनस, अगर इसमें भी एक्स से करेंगे और वन अपान एक्स, इसमें भी एक्स से करेंगे और इसमें भी, चूंकि हमें करना पड़ेगा एक्स से, चूंकि हम अगर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा, वैसे होगा ही नहीं। अगर एक में अगर क्या करेंगे, अगर हम जैसे दो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, एक को ट्रॉफी देंगे दूसरा फाइट करेगा, इससे अच्छा है कि एक उसको भी, ब्रदर को भी दो, एक सिस्टर को भी दो, दोनों को, तब फाइट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इसी की तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि एक में कर देंगे, नहीं, इक्वल ही नहीं होगा इक्वेशन, हमें इक्वल करना जरूरी होता है। एक्स से एक्स कट गया, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन थ्री एक्स हो गया, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन, इसे आप इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए अगर अब कंपेयरिंग टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आप देखेंगे जिसके आगे कुछ नहीं होता वन होता है, एंड बी की वैल्यू माइनस थ्री होता है, बी की वैल्यू माइनस थ्री और सी की वैल्यू माइनस वन। तो आप देख सकते हैं कितना है, ए की वैल्यू वन आ गया, बी की वैल्यू माइनस थ्री एंड सी की वैल्यू माइनस वन। तो आप कंडीशन देखेंगे, रूट्स फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट करने का एक कंडीशन होता है क्या, इसमें अगर देखिए इफ, इसका एक कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूं कि इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर अगर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ये रूट्स ये होता है, देन ये रूट्स ये आपको जो दिख रहा है ना ये होता है, ये रूट्स होता है। तो आप इसको हम अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद कितना इजी है, इजी थोड़ा देख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालेंगे, तो आप यहां वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू क्या माइनस थ्री, ए की वैल्यू क्या है वन और सी की वैल्यू क्या है माइनस वन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, प्रियांशु समझ में आ रहा है, यस सर। थ्री का देखो यहाँ माइनस थ्री क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, प्लस में आएगा ना, और यहाँ देखो माइनस ये प्लस फोर हो जाएगा, तो नाइन फोर कितना हो जाएगा थर्टीन, समझ में आ रहा है, यस सर। तो ये क्या है, ग्रेटर है कि नहीं, एक कंडीशन होता है, हमने जो कंडीशन दिखाया था, क्या कंडीशन दिखाया था बी स्क्वायर इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, तो क्या है ये जो 13 है ग्रेटर देन कितना है जीरो, इट मींस रूट्स क्या होगा, देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगा, देन रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या हो जाएगा यहाँ 2a, तो माइनस बी, हाँ तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस, तो है माइनस थ्री प्लस माइनस यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का कितना आया है 13 भी लिख सकते हैं इसका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को अगर हम निकाले, चुके हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अगर आप देखते हैं तो 2 और a की वैल्यू कितना है 1, तो देखो प्लस 3 और प्लस माइनस रूट 13 क्या हो जाएगा 2 आ गया, समझ में आ रहा है। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स क्या हो जाएंगे बताओ, रूट्स आर, देखो पहला रूट्स क्या हो जाएगा
3 plus root 13 by 2 और दूसरा क्या हो जाएगा 3 minus root 13 by 2 क्यों चूंकि b square अब ये क्यों हुआ ऐसा क्यों यहां अगर कर रहे हैं why इसमें हम बता दे रहे हैं चूंकि ये b square minus 4ac greater है किससे 0 से किससे greater है जीरो से अगर ऐसा आता है आपको मैं बता देता हूं ये आंसर हो गया रूट से हो गए अगर ऐसा कंडीशन आता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होता है जीरो से तो क्या होगा जीरो ठीक है तो रूट इस फॉर्म में निकालना पड़ेगा रूट्स के जो निकालने का भी फार्मूला है इस वाले फार्मूला से निकालना पड़ेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक भी करिए सब्सक्राइब भी करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए थैंक यू